ब्लोटेड फेस। ब्लोटेड फेस होता है ना कहीं, एयर वो ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं होता। सो नाउ लेट्स कम टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस फ्लो अगर ठीक नहीं है आपका, न्यूट्रिएंट अगर प्रॉपर नहीं, इफ योर नर्वस सिस्टम डजंट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट एंड द नर्वस फ्लो इज नॉट प्रॉपर, ठीक है, सो व्हाट विल यू गेट इनटू? यू विल गेट इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सो मेनी पीपल हैव डिप्रेसिव टेंडेंसीज, दे गेट मूड स्विंग, वन फ्रॉम द हार्मोनल इंबैलेंस, द अदर थिंग इज द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। और अगर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट प्रोटीन का इकोसिस्टम वीक हो गया, देन थिंक अबाउट हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू गेट। सो आई प्रूव्ड यू, मैंने आपको बताया कि व्हाट हैज हैपेंड। नाउ वन ऑफ द ऑर्गन व्हिच वर्क्स फॉर प्रोटीन इकोसिस्टम इज योर थायराइड ग्लैंड। एक ऑर्गन जो आपके प्रोटीन इकोसिस्टम के लिए काम करता है वो है थायराइड ग्लैंड। इसको लेके चलते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। वो दूसरे डायमेंशन में जाएंगे ना तो फिर आपको समझ नहीं, इसलिए आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश, ठीक है, तो आसान तरीके से समझने की कोशिश करना। इफ योर थायराइड ग्लैंड हैज बिकम वीक समहाउ, इफ इट हैज बिकम वीक, वीक इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग, या तो कम फंक्शन कर रहा है, या तो ज्यादा फंक्शन कर रहा है, या तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, सम काइंड ऑफ वीकनेस, लेस फंक्शनिंग इज ऑल्सो वीकनेस, हायर फंक्शनिंग इज ऑल्सो वीकनेस, कंट्रोल नहीं कर पा रहा ना अपने फंक्शन को, हायर फंक्शनिंग इज ऑल्सो वीकनेस एंड थायरोडाइटिस इज ऑल्सो वीकनेस। सो आपका थायराइड ग्लैंड वीक हो गया, वॉट इज द सोल्यूशन, टेल मी फ्रॉम अ चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे के दिमाग से सोचें, ज्यादा पढ़े लिखे के दिमाग से नहीं सोचना क्योंकि सोल्यूशन नहीं मिलेगा फिर, एक बच्चे के दिमाग से सोचना। इफ योर थायराइड ग्लैंड हैज बिकम वीक, वॉट इज द सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन है टू स्ट्रेंथन योर थायराइड ग्लैंड, एक ही सॉल्यूशन है। इफ योर लेग्स हैव बिकम वीक, आपके एक पांव कमजोर हो गया, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रोटीन खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं होता। और क्रचेस पे चलेंगे, व्हीलचेयर पे चलो? नहीं नहीं नहीं, यू स्ट्रेंथन योर लेग्स, लेग्स को मजबूत कर लो, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड वीक हो गया, थायराइड ग्लैंड को मजबूत करो। अभी एक्सरसाइज से लेग्स को तो आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, थायराइड को कैसे करेंगे? यही कुंभक थेरेपी है, यही मैं बताने वाला हूं अभी, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, मेरे को ध्यान से समझे, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड को कैसे स्ट्रेंथन करना, हाउ टू स्ट्रेंथन थायराइड ग्लैंड, बिकॉज वी डोंट हैव अ रीच, हमें मालूम ही नहीं कैसे पहुंचे उस तक, पर मैं बता रहा हूं कि हम पहुंच सकते हैं। हाउ? लेट्स ग्रो फ्रॉम आउटसाइड इन, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी, शरीर की स्ट्रेंथ क्रिएट करने की क्षमता कितनी है ये जरा देखते हैं। तो जस्ट रिमेंबर योर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, दादा दादी नाना नानी को याद करें, फिजिकली वर दे स्ट्रॉन्ग और आर यू स्ट्रॉन्ग, शारीरिक क्षमता उनकी ज्यादा थी या आपकी ज्यादा है? उनकी ज्यादा थी ना, दे वर फिजिकली मोर स्ट्रॉन्ग, दे कुड डू मोर वर्क देन वॉट एट प्रेजेंट आर यू डूइंग, है ना। 80% ऑफ स्ट्रेंथ वी हैव लॉस्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ वी हैव लॉस्ट। इंटरनल स्ट्रेंथ, आज की बीमारी कितनी है, 70% ऑफ टोटल डिजीज आर क्रॉनिक इन नेचर, अंदर की है ना, थायराइड, लिवर, पैनक्रियास, किडनी, हार्ट, अंदर की है ना सारी बीमारियां, सारी बीमारी अंदर की है। तो लेट्स गो फ्रॉम आउटसाइड इन, बाहर से अंदर की तरफ समझते हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी, ये शरीर स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करता है? तो कितने लोग हैं जिन्होंने अपना राइट हैंड मजबूत कर लिया, हाउ मेनी पीपल हैव मेड देयर राइट हैंड स्ट्रॉन्ग? किसी का राइट हैंड स्ट्रॉन्ग आप में से है कि नहीं है? लिफ्ट योर राइट हैंड and all the people who have their left hand strong, kuch logon ka baaya hand strong hoga, lefties honge na, left hand strong, so how many people have left hand strong, kuch ka hoga, right? Now when you were born, this was not the case, jab paida hue the to aisa kuch bhi nahi tha, you did it, aapne kiya na, you worked with one hand more, aapne ek hand se zyada kaam kiya hoga, right? But how did you work, kaam karne ke liye kya fundamental cheez istemal karte hain? टू वर्क और टू मेक एन एफर्ट, एफर्ट लगाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप शरीर में? सो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करते हैं, करें, कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस, बाएं हाथ को ऐसे रखेंगे, मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं हाथ से मुट्ठी बांधें,
Now let's push your left palm very hard. Effort लगाएं, जोरदार, जोर लगाएं. Effort लगाएं. How are you creating this strength or effort? How are you making this effort or strength? कैसे कर रहे हैं? है ना? अभी सोच रहा हूँ क्या? You might be thinking muscles, bones, this, that, nervous system, mind. ऐसा बहुत कुछ सोच रहे होंगे ना. नहीं नहीं, यू आर नॉट लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन. सही दिशा में देखना पड़ेगा. हाँ, सही दिशा में देखना पड़ेगा. कहाँ देखना पड़ेगा? जहां मैं बताऊंगा वहां देखना पड़ेगा. लेट्स डू इट अगेन, दोबारा से करते हैं. वेयर एवर आई एम इंडिकेटिंग, जस्ट लुक देयर, पुश इट हार्ड, जोर लगाए, पूरा जोर लगाए. देखिए, जितना जोर लगाते हैं उतनी सांस रोकनी पड़ती है. द मोर यू वॉन्ट टू मेक एफर्ट, द मोर यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ. प्रेशर भी क्रिएट करते हैं ना, तो सांस रोक के प्रेशर क्रिएट करते हैं. You create pressure by holding your breath. आप पीछे सांस रोकते हैं तब जाके एफर्ट लगता. खींचे है कभी किसी को? Have you pulled anybody? रस्सा कसी खेला है, tug of war. खींचा है कभी किसी को? How do you pull? कैसे खींचते हैं? So clasp your fingers. उंगलियों को फंसा लें. Let's try to pull. खींचे. जोर से खींचे. The more you want to pull, the more you have to hold your breath. Without holding your breath, you can't pull. एफर्ट लगा के देखिए, बिना सांस रोक के एफर्ट नहीं लगा. यू कांट मेक एफर्ट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. इफ यू वांट टू जंप, जंप करते हैं तो क्या, कैसे जंप करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड जंप. इफ यू गेट अप फ्रॉम द चेयर, चेयर से भी उठते हैं तो व्हाट हैपेंस? व्हाट डिड यू डू? क्या किया? थोड़ा सी सांस रोक ली. सुबह उठते हैं, मॉर्निंग यू गेट अप, एवरीबॉडी यॉन्स एंड टेंस देयर बॉडी. वो अंगड़ाई लेते हैं ना, अंगड़ाई लेते हैं. कैसे लेते हैं? How do you create a little more energy inside your body? अपने शरीर में थोड़ी एनर्जी क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? You just tense your body. अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं. Hold your breath and tense your body. करके देखिए अंगड़ाई लेके. You hold your breath. You आप सांस रोक के नहीं अंगड़ाई ले सकते. सांस रोके बगैर, सांस रोक के ही लेना पड़ेगा. So whatever you do throughout the day, पूरे दिन में जो कुछ आप करें, एनी एफर्ट यू मेक, फिजिकल एफर्ट कोई भी, वॉलंटरी एफर्ट कहते हैं, वॉलंटरी एफर्ट, मूविंग योर लिम्स, फिजिकल एफर्ट कोई भी लगाना है, यू होल्ड योर ब्रेथ. वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयर केसेस, डूइंग हाउस होल्ड वर्क, कुछ भी करेंगे, हाथ भी हिलाएंगे तो अलग. रेगुलेट कैसे करेंगे उस मूवमेंट को? हाउ डू यू रेगुलेट दैट मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. यू कांट मेक एनी एफर्ट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. Holding your breath is the strength creating or effort creating mechanism of this body. इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. Now lift your strong hand up. अपना जो शक्तिशाली हाथ है ना वो ऊपर उठाएं. Lift your strong right or left whichever, जो भी आपका strong hand है, उठाएंगे जरा. Tense it tight, tight कीजिए, जोर से tight कीजिए. Tense it very tight. What do you do? दूसरा हाथ loose है ना? You hold your breath and direct it towards that hand. आपने सांस रोका और उस हाथ की तरफ में उसको डायरेक्शन दे दिया. जब आपने काम किया उस हाथ से, when you worked with that hand more, what did you do? You held your breath and directed it towards that hand. उस हाथ की तरफ में दिशा दे दिया. एक एग्जांपल और देता हूं उसको लेके. I'll give you one more example. So you people go to gym and build muscles, isn't it? People go to gym and build muscles. मसल बिल्ड करते हैं ना, और फिजिकल ट्रेनर जो है वो फिजिकल मसल्स बिल्ड करते हैं. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे काम करते हैं ना फिजिकल ट्रेनर्स. सो हाउ डू दे बिल्ड मसल? जिम में जाके मसल कैसे बिल्ड करते हैं लोग? दे लिफ्ट वेट, वेट लिफ्ट करते हैं ना. दे लिफ्ट वेट, इजंट इट? वेट एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, वेट एक्सरसाइजेस करते हैं. बट हाउ डू दे लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं वो? तो सपोज यू वॉन्ट टू लिफ्ट वेट फ्रॉम द राइट हैंड, विच एवर स्ट्रॉन्ग हैंड, उससे वेट लिफ्ट करना है आपको. हाउ विल यू लिफ्ट अ वेट? आपको सांस रोकनी पड़ेगी और आप उस हाथ के मसल्स को यूज करते हैं. यू यूज द मसल्स ऑफ दैट हैंड. सांस रोक के उसको डायरेक्शन कहां से दे, कहां दे दिया आपने? वेयर डिड यू गिव द डायरेक्शन टू द ब्रेथ होल्ड? टुवर्ड्स द मसल्स, इजंट इट? वेट तो बहाना है. वेट इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू गिव द डायरेक्शन टू होल्ड द ब्रेथ. जितना वेट उठाएंगे उतनी सांस रोकनी पड़ेगी. द मोर यू हैव टू लिफ्ट वेट, द मोर यू विल हैव टू होल्ड योर ब्रेथ. तो जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उतनी सांस रोकनी पड़ेगी आपको, उतना वेट उठाना पड़ेगा. एंड द डायरेक्शन विल गो टू दैट हैंड मसल. उस मसल की तरफ में जाएंगे, वो मसल बढ़ जाता है. व्हाट इज द मैकेनिज्म? ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन.
breath hold and direction. जब आपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम किया, विच एवर हैंड इज स्ट्रॉन्ग, यू हेल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकी और उस तरफ में दिशा दे दिया, गेव इट अ डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट हैंड. दैट्स हाउ योर वन हैंड बिकेम स्ट्रॉन्ग, वन लेग बिकेम स्ट्रॉन्ग. एक पांव ज्यादा मजबूत हो गया दूसरे पांव से. स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉलंटरी एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, जो आप थोड़ा कंट्रोल करते हो. बट दिस ओनली एक्ट्स ऑन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. बाहर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, मसल्स पे डायरेक्शन जा रहा है, स्केलेटन सिस्टम, जॉइंट्स पे डायरेक्शन जा सकता है ज्यादा ज्यादा. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे इसका डायरेक्शन जाएगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, अभी ध्यान दो जरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार. If you hold your breath and do not move, do not give an external direction. बाहर कुछ भी ना हिलाएं, तो इसका direction कहां जाएगा? Where will the direction go? थोड़ी देर में क्या होगा? What will happen after some time? You start sweating. पसीना आ जाएगा ना? Your heart rate will increase. Heart rate आपका बढ़ जाएगा. Your metabolism will increase. The heat factor will increase in the body. शरीर गर्म हो जाती. Direction कहां गया? Where did the direction go? Inside. Not outside. कहां गया? अंदर. अंदर की तरफ में डायरेक्शन चला गया. Now tell me one thing. एक चीज ध्यान से सोच के बोलिए. Can you direct this breath hold inside towards your thyroid and make it strong? You can do it, but you don't know how. I have proved you. I have given you this proof कि आप breath hold का direction देके ही स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकते हैं. इसके अलावा कोई चारा नहीं है. आप सोचेंगे कोई मेडिसिन ठीक कर देगा आपको, नहीं कर पाएगा, कभी नहीं ठीक कर पाएगा. आप कहेंगे कोई फूड लेके हम ठीक हो जाते हैं. इफ यू टेक करेक्ट योर फूड यू विल बिकम फाइन. तो आज जो खाना खाते हैं, जस्ट रिमेंबर योर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कैसा भोजन करते थे, काइंड ऑफ फूड दैट दे यूज्ड टू ईट एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग. यू शुड बी मोर हेल्दी, इजंट इट, बट यू आर मोर वीक. बाहर से भी अंदर से भी इनवॉलंटरी फंक्शन में वीकनेस ज्यादा आ गई है लोगों को. बाहर तो वीक हो गए हैं बट इनवॉलंटरी फंक्शन हैव बिकम वीक. इसीलिए सारी 70% ऑफ टोटल डिजीज आर क्रॉनिक. हार्ट वीकनेस, वीकनेस इन हार्ट, लिवर, थायराइड, पैनक्रियास, किडनी, लंग्स, नर्वस सिस्टम, सो ऑन एंड सो फॉर, मेटाबॉलिज्म, ये वो अंदर की चीजें. यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट. आप तो नहीं कर रहे कंट्रोल. तो किसी ने डायग्नोस करके आपको बता दिया, आप उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं ना, कुछ तो बताओ हमको ठीक करने के लिए. मगर तरीका आपके पास में है, यू आर जस्ट नॉट यूजिंग इट. तो इफ यू यूज दिस ब्रेथ होल्ड टू स्ट्रेंथन एनी इंटरनल फंक्शनिंग, यू कैन डू इट, बट एट प्रेजेंट यू डोंट नो हाउ. आपको सिर्फ ये नहीं मालूम कि कैसे करना, बट आप कर सकते हैं. ये ही एक तरीका. इज देयर एनी अदर वे? नो वे, देयर इज नो अदर वे. अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो थायराइड ठीक हो जाएगा. तो फिर स्पोर्ट्स के लोगों को क्या थायराइड होता? व्हाई स्पोर्ट्स पीपल सफर फ्रॉम थायराइड इशू, डायबिटीज इशू, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज? क्यों स्पोर्ट्स के लोगों को होता? अगर वो ठीक स्पोर्ट्स खेलने से, अगर ये इंटरनल इनवॉलंटरी फंक्शन की स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ा सकते तो स्पोर्ट्स के लोगों को क्यों हार्ट अटैक आ रहा है? व्हाई ऑल दोस बॉडी बिल्डर्स आर टेकिंग स्टीरॉइड जस्ट टू सर्वाइव? किडनी खराब हुए जा रहे हैं उनके. Now this is something really big. You should take responsibility for this. Humanity ka andar ka function, involuntary function has become weak. Ek hi tarika hai uthane ka. Ek hi tarika. Koi aur tarika nahi hai. You find out any other way. Aap 10 webinar attend karo, 50 karo, 100 karo. Aap theek nahi hoge jab tak ki aap karoge nahi ka. Information phir bhi milta jayega aapko. Koi aur cheez dhoondne ki koshish. Try to find out any other solution. There is no solution. So let's go. This is. कुंभक थेरेपी पार्ट वन. अभी मैंने पार्ट वन बताया. कुंभक थेरेपी पार्ट वन. लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. अगला स्टेप, टेल मी, मुझे ये आंसर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे इसका. विच डॉक्टर और विच साइंटिस्ट डिजाइंड योर बॉडी? आपके शरीर को कौन से डॉक्टर और साइंटिस्ट ने कौन से लैब में जाकर डिजाइन किया? आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? थोड़ा डाले चैट बॉक्स में, व्हाटएवर यू थिंक जस्ट टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स. है ना, लेट्स, हम बात कर रहे हैं ना आपस में, लेट्स इन्वॉल्व अ लिटिल, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग गॉड. सभी कह रहे हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं गॉड. तो गॉड का मतलब क्या है कि आप नहीं जानते. व्हेन यू से गॉड यू जस्ट वांट टू से
आई डोंट नो। तो आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते ना, ऐसा बोलने पे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो। सो व्हाट यू डू, यू आर पुटिंग द ओनर्स ऑफ समथिंग दैट यू डोंट नो। किसने गॉड को घर में बैठा के चाय पिलाया, बताओ जरा, आप में से कौन है वो? यू डोंट इवन नो गॉड, somebody has said something, आप उसका पता भी नहीं जानते, कौन सा फोन नंबर है गॉड का कोई नहीं जानता, बट ये कहने में अच्छा नहीं लगता कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, ये कहने में अच्छा नहीं लगता। तो किसी के ऊपर डाल दो ना, जिसको कोई प्रूव नहीं करेगा, और हम बच गए। सो लेट्स अंडरस्टैंड, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन यू थिंक, आपको मालूम है पर आप उस तरफ नहीं देख रहे। विजडम कम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। सो द मोर एजुकेशन द लेस इंटेलिजेंस, जितना एजुकेट करता है इंसान, जितना इंफॉर्मेशन होता है ना, उतना कम वो समझदार हो जाता है, समझदारी कम हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जानते हो, आप बहुत समझदार लोग हो, केवल वो एजुकेशन के चक्कर में गड़बड़ हो गई। सो लेट्स अंडरस्टैंड, द मोमेंट यू सी एन अफ्रीकन, सपोज एन अफ्रीकन ज्वाइंस दिस वेबिनार, एक अफ्रीकन ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया, कैमरा ऑन है, द मोमेंट यू सी एन अफ्रीकन, व्हाट यू से, क्या कहते हैं? ओ अफ्रीकन, यू डोंट आस्क फॉर एन आईडी कार्ड, आप पूछते भी नहीं हो। द मोमेंट यू लुक एट समबडीज बॉडी, यू नो, ओ चाइनीज, अरे ये तो नॉर्थ ईस्ट से होगा ना, दिस पर्सन इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडियन। द मोमेंट यू लुक एट समबडीज बॉडी, यू गेट टू गेट एन आइडिया ऑफ वेयर डज द पर्सन बिलोंग्स टू, आपको आइडिया लग जाता है। सो यू आर मोर वाइज देन यू थिंक, आपको आइडिया लग जाता है कहां से बंदा बिलोंग करता है। सो हु डिजाइन दिस बॉडी, किसने डिजाइन किया उसकी बॉडी को? वेन यू से अफ्रीकन, किसने डिजाइन किया उसकी बॉडी को? अफ्रीका, वॉट इज अफ्रीका? अफ्रीका इज एन एनवायरमेंट, एक वातावरण ही तो है। अफ्रीका क्या है? नॉर्थ ईस्ट क्या है? वॉट इज नॉर्थ ईस्ट? वॉट इज चाइना? इट्स एन एनवायरमेंट, एक तरीके का वातावरण है, एक तरीके का वातावरण है, एनवायरमेंट है। सो वातावरण से शरीर डिजाइन होता है, एनवायरमेंट डिजाइन फॉर बॉडी, इजंट इट? एनवायरमेंट डिजाइन फॉर बॉडी। जरा समझे हम, शुड वी अंडरस्टैंड हमारा डिजाइन कैसा है, वॉट हाउ इज आर डिजाइन, सो दैट वी कैन यूज दिस बॉडी बेटर, शरीर को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सके। सो दिस बॉडी इज डिजाइन फॉर नेचुरल फूड, प्राकृतिक भोजन के लिए ये डिजाइन है, नेचुरल फूड। सो व्हाट आर यू ईटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, क्या खा रहे हैं? कुक्ड फूड, प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, अब यही खा रहे हैं सारा कुछ। तो यू आर ईटिंग ऑल्टर्ड फूड, जो आपका भोजन है वो नहीं कर रहे आप, यू आर ईटिंग ऑल्टर्ड फूड, बदला हुआ भोजन कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं? यू आर लिविंग इन अ ऑल्टर्ड एनवायरमेंट, बदला हुआ वातावरण। पिछले 50 सालों में हमने पृथ्वी का वातावरण बदल दिया, वी चेंज द एनवायरमेंट ऑफ दिस अर्थ, इजंट इट? 80% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, 80% जीव जंतु पेड़ पौधे मार दिए, खत्म कर दिया हमने। दूसरा क्या किया? वी हैव पोल्यूटेड एवरीथिंग, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, दिस दैट, वेयर इज वाटर, वेयर इज फ्रेश वाटर? आपके ताल, तालाब, सरोवर कहां गए? नदियां कहां गई? All the lakes, ponds and rivers कहां गए? पानी, जमीन के नीचे पानी कहां गया? From 20 feet, 50 feet to 5000 feet, 10,000 feet. पानी भी नहीं है, altered environment. कैसे वातावरण में रह रहे हैं? बदले हुए वातावरण में रह रहे हैं। तीसरी चीज, एक और बात बताइए, आप बहुत समझदार लोग हैं, ये गलती मत कीजिए कि कोई और समझदार बैठा है WHO में जाके, ऐसा नहीं है, आप समझदार लोग हैं। आपका शरीर क्या दवाइयों, केमिकल दवाई के लिए डिजाइन हुआ था? Was your body designed for chemical medicine? आपके घर में पेट्रोल व्हीकल है, if you have a petrol vehicle at home, will you run it on diesel and kerosene? उसमें डीजल kerosene डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे ना, why? Common sense ना, it is not designed for diesel and kerosene. जब आपका शरीर chemical के लिए design नहीं है, तो do you think by taking in chemical you will be able to achieve health? आपको कभी हेल्थ मिल पाएगा जीवन में? तो जरा आंखें खोलना है ना, सिर्फ आंखें खोलना है, मोर मेडिसिन, मोर डिजीज। पिछले 50 सालों में कहते हैं जेनेटिक्स है, मुझे एक बात बताइए, 200 साल पहले कितने पूर्वजों को हमारे थायराइड इश्यू था? 200 साल पहले हाउ मेनी, और 100 इयर्स बैक हाउ मेनी पीपल हैव थायराइड इश्यू? आप अपने घर में देख लीजिए, दादा दादी, नाना नानी, किनको थायराइड था?
उन्हीं के बच्चे हैं आप या कहीं और से आए हैं? हैव यू कम फ्रॉम मार्स? मार्स से तो नहीं आए, नहीं आए ना, तो जेनेटिक्स कहां से होगा? तो आपको कुछ भी बोल देते हैं आप मान जाते हो। नहीं नहीं नहीं, आप उससे ज्यादा समझदार हो, यू आर मोर वाइज देन यू थिंक, ठीक है ना। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, वो समझने की कोशिश कीजिए। जस्ट इट विल बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मगर आप समझ सकते हैं, आप बहुत समझदार हैं, समझ सकते हैं। टेल मी, मुझे एक बात बताइए, हर एक के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है ना, और अलग अलग कमजोरियां होती है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऐसा होता है ना। समबडी कैन क्लाइंब अ ट्री फास्ट, कोई पेड़ पे बहुत जल्दी चढ़ जाएगा, कोई तैरेगा बहुत तेज, समबडी वुड और समबडी वुड रन फास्ट, कोई किसी चीज को बहुत गहराई से देखता, कोई बहुत अच्छा गा सकता, समबडी कैन सिंग, समबडी कैन ऑब्जर्व, है ना। सबके अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, कमजोरी होती है, राइट। अब मुझे बताइए, सिमिलरली यू आर नॉट डूइंग एनी ऑर्गन फंक्शन, आप अपने अंदर ऑर्गन फंक्शन तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना, तो हु इज डूइंग इट, कौन कर रहा? यू आर नॉट डूइंग इट, तो कुछ तो कर रहा है। सो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ग्रेविटी पुल्स यू डाउन, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे खींचता है ना आपको, ग्रेविटी पुल्स यू डाउन, व्हाई डू यू ग्रो अप, व्हाई डू यू ग्रो टॉल, आप तो लंबे हो जाते हैं, कुछ तो होगा ना अंदर जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में आपको पुश कर रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज पुशिंग यू अगेंस्ट ग्रेविटी। एवरी ट्री ग्रोज अप, पेड़ पौधे ऊपर उठ जाते हैं, बर्ड्स फ्लाई अगेंस्ट ग्रेविटी, तो कोई तो चीज है जो आपको ऊपर की ओर उठा रहा है। सो देयर इज अ फोर्स इनसाइड, एक शक्ति है अंदर, एक फोर्स है अंदर, राइट। ग्रोथ हार्मोन बोल रहे हैं कुछ लोग, ग्रोथ हार्मोन किसने देखा हुआ है? आप ज्यादातर वो बातें करते हैं जो आप नहीं जानते, तो somebody said something, ग्रोथ हार्मोन कैन बी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, बट असली आपको जब तक ऊपर नहीं उठाया जाए तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। सो देयर मस्ट बी अ फोर्स जिसकी वजह से फंक्शनिंग हो रही है, एक्शन कैन नॉट हैपन विदाउट अ फोर्स। हार्ट बीट कर रहा है ना, देयर मस्ट बी अ फोर्स। लिवर फंक्शन कर रहा है, देयर मस्ट बी अ फोर्स। फोर्स के बगैर कोई काम नहीं कर सकता, आपके शरीर के अंदर फंक्शनिंग नहीं हो सकती है। सो ये ऊपर उठाने वाला फोर्स जो है, इसको कहते हैं उदाना, इन कुंभक विज्ञान, कुंभक विज्ञान में इसको कहते हैं उदाना। उड़ान वर्ड सुना, उड़ान, उड़ना, उदाना। सिमिलरली देर आर 84 फोर्सेस विच डज योर इनवॉलेंट्री फंक्शनिंग। तो जैसे किसी का स्ट्रेंथ होता है, किसी का कुछ वीकनेस होता है, तो वैसे ही इन फोर्स में कोई तो आपके स्ट्रांग फोर्सेस होंगे, कोई वीक फोर्सेस होंगे ना, विच इज मेकिंग सम फंक्शनिंग डिफिकल्ट, थायराइड फंक्शन को जो डिफिकल्ट बना रहे हैं। कोई तो स्ट्रांग होगा, कोई वीक होगा, जो वीक होगा उसकी वजह से आप डिफिकल्टी में आ गए। वीक फोर्स इज कॉजिंग अ डिफिकल्टी और वीक फंक्शनिंग इज कॉजिंग अ डिफिकल्टी, उसको हम पता लगाते हैं। दिस इज वॉट डायग्नोसिस वी डू, हम डायग्नोज करते हैं आपका वीक फैक्टर, वीक फोर्स को डायग्नोज करते हैं। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ डायग्नोसिस इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस है। इसका नाम क्या है? प्राण शक्ति डायग्नोसिस। ये कौन सा फोर्स वीक है आपके अंदर? आप पेड़ पर चढ़ना चाह रहे हैं मगर चढ़ नहीं पा रहे, तो कौन सा फोर्स वीक है आपके अंदर? कौन सा जोर आप नहीं लगा पा रहे? थायराइड फंक्शन नहीं कर रहा है, कौन सा जोर नहीं लगा पा रहा वो थायराइड? सो डायग्नोसिस करते हैं, इट्स अ वेरी प्रिसाइज डायग्नोसिस जो पता लगाता है कौन सा फोर्स कम हो गया आपके अंदर, जिसकी वजह से थायराइड एंड लेटर ऑन ब्लड प्रेशर और अदर डिजीज, थायराइड और शुगर लेवल एंड हार्मोनल इंबैलेंस, थायराइड दिस, हर एक के अंदर अलग 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 सिम्टम्स आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ में। सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वीकनेस, हर एक के लिए अलग वीकनेस है। वी डायग्नोज दैट वीकनेस एंड वी कस्टमाइज अ कुंभक टू स्ट्रेंथन दोज फैक्टर्स। हम क्या करते हैं? हर एक के लिए कस्टमाइज करते हैं, उन फैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना, थायराइड को स्ट्रॉन्ग करना और प्रोटीन इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर एक के लिए कुंभक कस्टमाइज किया जाता है। एवरीबडी गेट्स अ कस्टमाइज प्रैक्टिस,
सो दैट इज वाई इट इज अ थेरेपी. ये जेनरिक नहीं है, किसी को भी कुछ भी सिखा दिया, नहीं नहीं, इट इज कस्टमाइज फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. हर एक इंसान के हिसाब से वो कस्टमाइज होता है अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस इन द सिस्टम. आपके शरीर के अंदर की जो वीकनेस है उसके हिसाब से कस्टमाइज होता है. दिस इज कुंभक थेरेपी पार्ट टू. एक मेथड करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. एक प्रैक्टिस करवा दूं. नाउ दिस इज नॉट अ थेरेपी. जो प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूं वो थेरेपी नहीं है. थेरेपी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक करने के लिए, एग्जैक्टली ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू डायग्नोज यू. आपको डायग्नोज करना पड़ेगा ना कि आपके अंदर कौन सा चीज वीक हो गया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप हमें बताएंगे और आपके अंदर डायग्नोज करके हम देखेंगे, फिर कस्टमाइज किया जाएगा. फॉर दैट यू विल हैव टू कम टू क्लास. देयर इज नो अदर वे. डायग्नोसिस के लिए आना पड़ेगा बिकॉज इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जिससे कि आपको वहां तक ले जाया जाए, फिर डायग्नोसिस करके कस्टमाइज किया जाए आपको. तो अभी जो मैं बता रहा हूँ इट्स जस्ट अ जेनेरिक मेथड. जैसे आप आमतौर पर योगा प्राणायाम सिखा देते ना लोगों को, अच्छा सभी ये कर लो, तो ऐसे ही कुछ है. ठीक है ना, थेरेपी करवाना बहुत ही इनसेंसिटिव इरेस्पॉन्सिबल चीज होगी यहाँ वेबिनार. सो दैट इज वाई आई एम जस्ट मेकिंग यू डू वन सैंपल. एक सैंपल करवा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि कुंभक क्या. अभी भी आपको आइडिया लग गया होगा, क्रिएटिंग एन इंटरनल ट्रिगर है ना, एक फोर्स क्रिएट किया जाता है, अंदर का ट्रिगर क्रिएट करना कुंभक थेरेपी. तो कैसे करते हैं इसके लिए एक एग्जांपल. नाउ दिस इज अ मेथड. ये मेथड से भी बहुत लोगों को फायदा होगा. ये मेथड से भी आपको फायदा होगा. देव अपान कुंभक, इसका नाम क्या है? देव अपान कुंभक. एक देवदत्त फैक्टर होता है आपके अंदर. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज देवदत्त वायु एंड देवदत्त अग्नि एंड देवदत्त फैक्टर आपके शरीर के अंदर होता है, जो एब्जॉर्प्शन में काम करता है. कैल्शियम कम हो रहा है, बोन्स ब्रिटल हो रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है ना कई लोगों को. सो क्यों? उसका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा. एब्जॉर्प्शन फैक्टर के लिए जो फोर्स लगता है आपका शरीर जो लगाता है, दैट इज देवदत्त फैक्टर. आपके माइटोकॉन्ड्रिया से इसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम ज्यादा होती है. देवदत्त फैक्टर. तो देवपाना कुंभक कैसे करेंगे वो मैं पहले बताऊंगा आपको कैसे करेंगे. दैट टाइम डोंट डू इट. सेकंड टाइम यू डू इट विथ माय इंस्ट्रक्शन, मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ में दूसरी बार करेंगे. थर्ड टाइम यू कैन डू इट ऑन योर ओन एंड सी दैट यू आर एबल टू डू. तीसरी बार अपने आप करके देख सकते हैं कि आप कर पाए. स्टिल इफ यू डोंट गेट इट, अगर आप नहीं फिर भी आपको समझ में आता, वॉच दिस रिकॉर्डिंग अगेन. इट विल बी शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ये दोबारा से रिकॉर्डिंग देखें, ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, तो आप दोबारा से देख सकते हैं. Lot of things you will get with this. आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं देवा पाना से. It can help you in your constipation. It can help you in your lower back pain, knee pain, slip disc, cervical issue, frozen shoulder. इसमें मदद करेगा. Right? If you have tachycardia, bradycardia, anxiety, उसमें आपको मदद करेगा. If you have blood pressure issues, sugar issues, उसमें that it will help in that. If you have weakness, low energy, it will help you in that. If you can't sleep properly, it will help you in that. उसमें मदद करेगा. और भी बहुत सारी चीजों में मदद करेगा. Let's understand the method. Method समझते हैं. You can do it anywhere, sitting on a chair, sitting on a floor. जमीन पे, बेड पे, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं. Only thing that you have to do is keep your spine free. अपनी रीढ़ की हड्डी को फ्री छोड़ें. टेक नहीं लगाना. Don't take a back rest. अपनी रीढ़ की हड्डी को फ्री छोड़ना है. Because we are creating an internal trigger. हम अंदर का एक ट्रिगर फोर्स क्रिएट करेंगे. It has to go to the right point. उसको सही दिशा में जाने चाहिए. If you take a backrest, it will accumulate there. Backrest लेंगे तो जहां पे rest लेंगे वहां पे इकट्ठा हो जाएगा. वो नहीं करना हमको. ठीक है. If you are in a little light stomach condition, थोड़ा खाली पेट है ना तो करेंगे तो अच्छा रहेगा. खाना खाने के 3 घंटे बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा. After a full meal, if you just wait for 3 hours and do this, you can then do it. That will be good. So let's understand the method. Method मैं बता रहा हूँ. सुनिए ध्यान से. सिर्फ सुनना है अभी. ध्यान से सुनना. So what you do? जैसे यॉनिंग करते हैं ना, उबासी लेते हैं, यॉन करते हैं ना, उसी तरीके से 3 बारी सांस खींचेंगे. यू इनहेल 3 times फ्रॉम द माउथ. मुंह से 3 बार इनहेल करना है. जैसे उबासी ले रहे हैं, यॉन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फुल, पहली बार में पूरा खींच लें. सेकेंड टाइम पुल अ लिटिल मोर, थोड़ा और खींचे. थर्ड टाइम पुल मैक्सिमम खींच लें. देन बेंड योर हेड अ लिटिल. सिर को थोड़ा सा नीचे ऐसे दबा लेना. सिर को थोड़ा नीचे दबाना, बहुत ज्यादा नहीं करना. डोंट डू इट. मैक्सिमम
अ लिटिल, और जो हवा भरा है ना, व्हाटएवर एयर दैट यू हैव इनहेल, जो हवा भरी है ना उसको नीचे की ओर पुश करेंगे, यू पुश इट डाउन टुवर्ड्स द लेग एरिया, पांव की तरफ में। तो क्या करना, कैसे पुश करना, कैसे पुश करना, जब पॉटी करते हैं तो कैसे पुश करते हैं, पॉटी करते हैं ना, कभी नहीं निकलता तो कैसे करते हैं, जोर लगाते हैं ना, तो जोर लगाना है, एब्डोमेन को टाइट करना, टेंस योर एब्डोमेन, टेंस योर हिप एरिया, टेंस योर लेग्स, पांव को भी टाइट करना, पुश करना नीचे, पूप करते हैं, यस इफ यू आर पूपिंग डाउन एंड इट इज नॉट गोइंग डाउन, इट्स नॉट गोइंग आउट, हाउ डू यू पुश, जस्ट पुश इट दैट वे, ओनली थिंग इज यू टेंस योर लेग्स, पांव को भी टाइट करना, यू टेंस योर लेग्स एंड होल्ड इट फॉर अ काउंट ऑफ एट, आठ गिनती तक रोक के रखेंगे, पुश इट डाउन एंड होल्ड इट फॉर एट काउंट, आठ गिनती तक रोक के रखेंगे, देन लिफ्ट योर हेड अप, सिर ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्टल, नाक से सांस निकालनी है मगर 12 काउंट्स में निकालना, 12 गिनती में निकालना, एज स्लो एज पॉसिबल, एज स्लो एज पॉसिबल, ठीक है ना, लेट्स डू इट, साथ में करते, साथ में करते, कीप योर हैंड्स अनक्रॉस, मुट्ठी बांध सकते हैं, कीप योर हैंड्स अनक्रॉस, मुट्ठी बांध के पांव पे रखो, कीप इट ऑन योर नीज, जस्ट अ मिनट, somebody ना ब्लैकआउट होता है बहुत, वो तो वीकनेस की वजह से है, वो करेंगे तो ब्लैकआउट खत्म हो जाएगा, जिनको भी ब्लैकआउट होता है खत्म हो जाएगा, पीपल विथ अम्बिलिकल हर्निया कैन डू इट, यस दे कैन डू इट, ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आप अपने जरूरत से ज्यादा तो नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं कर सकते, सो डू इट जेंटली, बहुत जोर लगा दोगे तो गड़बड़ होगा, इट नॉट हार्म यू इन एनी विच वे बट फॉर सम टाइम यू विल फील डिफिकल्टी, सांस रोक के, अपनी सांस रोक के कोई मरा है आज तक नहीं, कोई दूसरा रोकता है तब मरते हैं, यू कांट डाई बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, सो इट कैनॉट डू एनी हार्म, द ओनली थिंग इज यू नीड टू सी इफ समथिंग इज पेनिंग, कुछ गड़बड़ दर्द हो रहा है तो कम करें, थोड़ा ज्यादा जोर नहीं लगाना, कम लगाना, लालच ज्यादा नहीं करना, बस इतना ध्यान रखेंगे, हाँ पूपिंग फोर स्टाइल में ब्लैकआउट ज्यादा होता है तो उतना जोर भी नहीं लगाना, कुछ निकालना थोड़ा ही आपको, सो लेट्स डू इट, अभी करते हैं, जस्ट गो बाय माय इंस्ट्रक्शन, जो मैं कह रहा हूं वैसे करते जाए, सब कर पाएंगे, एवरीबडी विल बी एबल टू डू, सो कीप मेक अ फेस एंड कीप इट ऑन योर लेग्स, पांव पे रखेंगे, सो ओपन योर माउथ, मुंह को खोलें, उबासी लेते हैं ना, यॉन करते हैं, इनहेल फुल, पूरी सांस भरें, सेकेंड टाइम पुल मोर, और थोड़ा भरें, और थोड़ा खींचें, एंड थर्ड टाइम मैक्सिमम पुल, मैक्सिमम हेड डाउन, सिर नीचे करके, जस्ट क्रिएट अ प्रेशर डाउन, नीचे की तरफ में प्रेशर डालें, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सिर को उठाना है, लिफ्ट योर हेड अप, नाक से एक्सहेल करना, इन एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्टिल्स, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Now, many people might not be able to do it. उसको समझ जाना चाहिए कि आपने क्या वीकनेस क्रिएट कर लिया. If you are not able to do it, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि what kind of weakness that you have created in your body. And the second thing is, even if you are not able to do it at this point of time, अभी अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, if you do it few times, थोड़े time करेंगे ना, you'll be able to do. So, that is how you will create strength inside you. और धीरे धीरे करके वो strength build होता जाएगा, आपके problems ठीक होते जाएंगे. Is there any other way? क्या कोई और तरीका है ये बिल्ड करने का, इंटरनल स्ट्रेंथ? नहीं, देयर इज नो अदर वे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कोई और तरीका नहीं. सो ट्राई टू डू इट एज इजी एज पॉसिबल, जब आप अपने आप कर पाएंगे, योर कोऑर्डिनेशन विल बी बेटर एंड यू विल बी एबल टू डू इट बेटर. जब भी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो यू मस्ट डू एटलीस्ट 8 rounds, 8 rounds जरूर करना है. यू कैन डू मैक्सिमम ऑफ 16 rounds, 16 round मैक्सिमम कर सकते हैं, बट 8 round इज मिनिमम टू गेट अ रिजल्ट. एक रिजल्ट लेने के लिए 8 round जरूर करेंगे, 16 rounds मैक्सिमम यू कैन डू, डोंट एक्सीड 16 rounds. फिर आपके अंदर कुछ अचानक से बदलाव आने लग जाएगा, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग इट, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग. नो, कुछ रॉन्ग नहीं होगा, बट इट विल ड्रास्टिकली चेंज थिंग्स इनसाइड. वो अभी नहीं चाहिए अपने को. सो 8 rounds मिनिमम, 16 rounds मैक्सिमम. Whenever you are doing 2 rounds, right, in between 2 rounds, always give a little gap. 2 round के बीच में हमेशा गैप दें, रेस्ट करें, कैच योर ब्रेथ, सांसों को सामान्य कर पाए.
ओनली देन अटेम्प्ट द नेक्स्ट राउंड. लगातार लगातार नहीं करना, टाइम खत्म करने के लिए नहीं करना, राउंड फिनिश करने के लिए नहीं करना. डू वन राउंड रिलैक्स, सेकेंड राउंड रिलैक्स, थर्ड राउंड रिलैक्स, एट राउंड. इवन इफ आई शो यू, यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट अप, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग. जब मैं करूंगा भी तो आपको कैसे बताऊं मैं क्या जोर कैसे लगा रहा हूं. सो इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन यू विल गेट इट. तो अभी एक राउंड अपने आप करके देखेंगे. डू जस्ट वन राउंड ऑन योर ओन. क्या करना है, व्हाट टू डू, हाथों को मुट्ठी बांध के पांव पे रखना, कीप द फिस्ट ऑन योर नीज अ लिटिल टाइट. मुंह से तीन बार इनहेल करेंगे, फर्स्ट टाइम फुल, देन अ लिटिल मोर फुल, एंड द थर्ड टाइम फुल मैक्सिमम. पूरी खींच लें जैसे एज इफ यू आर यॉनिंग. बेंड योर हेड अ लिटिल डाउन, थोड़ा सा नीचे सिर करके, एंड पुश इट डाउन, पुश द एयर डाउन. जो हवा आपने भरी है ना उसको नीचे की तरफ में पुश करेंगे, एज इफ जैसे पॉटी में पुश करते हैं. टू क्रिएट अ प्रेशर, क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर, होल्ड इट फॉर एट काउंट्स. आठ गिनती तक रोक कर रखेंगे उस प्रेशर को. आराम से करेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाना, आराम से करेंगे. एट काउंट्स एंड देन लिफ्ट योर हेड अप, सिर को ऊपर उठा के एक्सहेल स्लोली, वेरी वेरी स्लोली फॉर 12 काउंट. 12 गिनती में एक्सहेल करना, स्लो एक्सहेलेशन फॉर 12 काउंट. 12 गिनती में एक्सहेल करेंगे. ठीक है, सो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस ऑन योर ओन. अपने आप करके देख सकते हैं. इफ यू डोंट गेट इट येट, और इफ आई हैवंट गॉट इट येट, वॉच द वेबिनार, वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन. आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर किया जाएगा. So you can watch this recording again and you can do it. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूँगा. Now I made you, मैंने आपको सब कुछ बता दिया. जो कदम है ना वो आपको उठाना है. So कितना भी समझा दे, unless until you work towards it, result नहीं मिलने वाला. You'll have to work towards it. So I'll stop here. The team will take it forward. Team आगे ले जाएंगे आपको. So thank you, sir. So let's just see a little bit of experience that people have had. लोगों के experiences क्या रहे? नहीं, अपना कुंभक थेरेपी स्टार्ट किया था and I मतलब this has changed my life. मुझे anxiety बहुत होती है. Yeah, but I didn't know कि मैं इतनी जल्दी मेरे अपनी सारी problems इतनी जल्दी निकल आऊँगा. ठीक है. मतलब amazing thing about the कुंभक is that कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरी स्पाइन में आधे घंटे एक घंटे इरेक्ट करके मैं बैठा रह सकता हूँ. स्टिल आई एम सिटिंग इन माय करेक्ट स्पाइन पोस्चर, इरेक्ट स्पाइन पोस्चर, एंड आई रियली एंजॉय दिस पोजीशन. ठीक है ना. तो एंड बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक कि मेरी सारी बहुत सारी मतलब आई फील पीस इन माय लाइफ, पीस इन माय माइंड. 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना थोड़ा मुश्किल होता था. But now I walk 5 kilometers, 6 kilometers, 7 kilometers a day and I find it very easy for me. Now, मेरे whitening हो चुके हैं, but अब further तो I don't know, but मेरे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो चुके हैं. तो ये condition जो थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है. Many things. इसके अलावा मतलब सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं हमारी मेरे anxiety जो रहा करती थी, मेरी anxiety खत्म हो गई है. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं कि पता नहीं मेरे पीस ऑफ माइंड कब होगा. ठीक है. एंड ड्यू टू कुंभक आई एम एंजॉयिंग सर कुछ मुझे थिंक फॉर मी. बट दिस इज रियली रियली आई एम वेरी थैंकफुल टोल फॉर द कोर्स. एंड राइट फ्रॉम डे 1 आई डिड द मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रैक्टिसेस वेरी डिलिजेंटली एंड विद कंप्लीट ट्रस्ट. विद इन अ फ्यू वीक्स I realized that symptoms such as acidity and headaches, which I used to frequently experience earlier, had reduced significantly. I just kept feeling stronger and my health kept improving. Moreover, a kumbhak also has helped me lose some amount of weight. It has helped me increase my immunity. I used to fall sick pretty often earlier. I used to have frequent throat infections. Now find happiness in every little thing that I doing part of my life now, that it is genuinely working towards transforming the lives of so. There is a lot of improvement in my digestion and digestion and the general feeling, and my TSH report has come to 0.31. आज तक कभी इतना कम आया नहीं है. पहले हमेशा 3, 4, even 10 तक रहता है TSH. So it is a very clear indication that there is an improvement and
इच्छा जग रही है कि इससे बाहर निकल सकते हैं and I think इससे बाहर निकल आएंगे. राजीव, you know, my body was it started feeling lighter and that my body had started telling me what to eat, what not to eat, and the kind of response that I was getting from my body was amazing. And gradually things started improving. First my medicines were reduced to half, and now for the last 1 month I am completely off medication. So no medicines for earlier I had this tachycardia also, so no medicines for tachycardia, no medicines for high blood pressure, and no medicines for hypothyroidism. And more or less, you know, the levels are more or less normal at this point of time, and I feel so much better. I joined Rajiv ji last year, and 8 to 9 months abhi main 5 months I'm not taking any medicine. I was taking 100 mg and lots of problems when I joined him. And abhi kumbhak in and medicines out hai, all the medicine I was taking, lot of food supplement, lot of things, whatever jo hum log ko doctors batate hain, duniya batati hai, and sab chhut gaya because Rajiv ji ने सच में बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया, एक एक चीज को कि कैसे क्या चीज हमारे पे करती है, असर हमें पता ही नहीं है. इवन वी डिड नो दैट घी हम लोग 2 चम्मच मॉर्निंग में लेते हैं, हम लोग घी से कितना भागते, पता नहीं कितने साल से भाग रहे थे. अब घी लिया है तो घुटनों में जो प्रॉब्लम चल रही थी, अभी स्टार्टिंग हुई थी, वो सारी खत्म हो गई. भारीपन और घुटनों में चिड़चिड़ की आवाज शुरू हो गई थी जो पूरी तरह से खत्म हो गई. थायराइड फ्रॉम सेंस, जब मैंने थायराइड का कुंभक अच्छे से करना शुरू किया. I just started this program a month back and I am seeing a lot of change in me, mentally, physically also. So my thyroid levels have also gone, my weight has reduced, and I feel energized all the day. And there is a lot of change in how you see life, especially how you feel, how you experience the life. So that has changed in less than a month. तो हमने देखा कई तरह के लोग, काफी लोग सवाल पूछते हैं कि कितने समय में आराम मिलेगा, किन किन कंडीशंस में मिलेगा. सो आई थिंक कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे अबाउट द प्रोग्राम एंड फीस. सो एक ये पूरा का पूरा, दिस इज अ कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम. सो द हाउ टू डू इट इफेक्टिवली ऑनलाइन एंड व्हाई वी हैव बीन सक्सेसफुल, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. So reversal ki definition, reversal means your medicines should be gone, your symptoms should be gone, there should not be any prolonged dependency on kumbhak therapy. So ye teenon bhi cheeze hain jo hamara program ka aim hai, and we do support you till all these three objectives are met. Tab tak ke liye ye program hai. To jo program ki cost hai wo aapke bimari ke complete cure ki hai. So this particular therapy, this program does not involve any exercise, any hand or leg movement, koi difficult movement nahi hai, koi bhi kar sakta hai, kisi bhi age ka kar sakta hai. There is no diet, there is no medicine, no ayurveda, no nothing. Yes, we do provide a little bit of lifestyle guidance and some advisory. So there would be a lot of advantages. Symptoms, logon ko pata kaise chalega ki unko fayda ho raha hai. These are the signals your body would throw towards you. If you are having higher weight, you would be having a weight loss. If you're having a low weight, your weight would be ultimately coming into a balance. Feel more energetic, better sleep quality, digestion, and many other things. Your relationships would improve. You would be feeling better emotionally. The entire program has 4 phases. Usmein the 3 phases ek structured program mein hai, 3 mahine ke andar mein, within these 3 months, we have a structure that again is broken into 3 different phases. तो 3 महीने का प्रोग्राम है. उस प्रोग्राम में ऑल द ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन प्राण शक्ति डायग्नोसिस. वी एनालाइज, वी अंडरस्टैंड हु यू आर, व्हाट योर वीकनेसेस आर, टू व्हाट डिग्री योर वीकनेसेस एग्जिस्ट, एंड बेसिस दैट कुंभक क्रियाज आर गिवन फॉर यू. सो दिस इज डन प्राइमरली थ्रू बेसिकली 3 लर्निंग क्लासेस, एंड देर आर बंच ऑफ सेशंस विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विल टेल यू अबाउट दैट. Throughout the program, the main things that you are going to get, why the program cost exists. Kuch bhi, 1 rupiya bhi agar le rahe hain, to wo kis cheez ke liye le rahe hain. The program cost is not associated with the number of classes. Kitni classes hain, kitna kya hai program. Class ki cost is exactly 0. The cost is coming from all of these things combined.
your diagnosis and your personalization. Classes are a tool and a media to help you understand and to educate you what you need to do and how. Plus, there is a 7 a.m. till 10 p.m. support at 4 levels through WhatsApp and through phone call and many other methodologies. You are always connected. And plus, there is a guaranteed support till the reversal by those three definitions. Medicine, symptoms, dependence or Kumbhak therapy. Tino bhi cheezen jaani chahiye. Tab tak aapke paas mein guaranteed support. The cost and everything is arising from these three factors primarily. Pran Shakti diagnosis is a very simple diagnosis, online diagnosis form that you need to fill in. We also ask you to do a Kumbhak. So that practice, you have to put down the count of how much you can hold, inhale and exhale. So we try and understand what are your weaknesses and what are your unique ways of weaknesses. Basis this Pran Shakti diagnosis form. So the first session, the entire program, the first part is learning phase, which is of 20 days, wherein there are 6 classes, 3 basic learning classes and 3 repeat sessions. Then there is an implementation phase. We'll help you implement what you have learned. Expert guided, aapka program mentor guided support ke through rahega ye. Aur uske baad mein there is a 30-day corrections phase and finally an extended phase even beyond 3 months without any additional cost. So these learning phase, the learning phase specifically, first class is basic Kumbhak therapy to acclimatize your body towards Kumbhak. Then you get a Prana Shakti diagnosis. And meanwhile, your diagnosis and kriyas are getting prepared. You get an advanced Kumbhak therapy class wherein your body would be prepared towards Kumbhak therapy. And third class would be personalization wherein aapki diagnosis ki basis pe jo kriyaen, jo Kumbhak bane hain, wo Kumbhak aapko siklaye jayenge. And through in and throughout, you would be getting a 4-tier support through a program mentor, through WhatsApp group, through phone calls, and also through individual video discussion as well. Throughout the session, aapke videos on rehte hain. All the sessions, learning classes are given by Swami Raj Vipu. Aur un session mein aapke video on rehte hain. There are separate set of Kumbhak therapists who guide you through chat, how to do and what to do and so on. Meanwhile, you can be sitting on a chair or a bed in your convenience and you can do these practices. This after the session, to ensure that you are doing it correctly, you do get a session recording, you do get instruction set in both Hindi and English, and you also have a repeat class. So a repeat class bhi aapke liye hoti hai. The third phase, which is practice correction phase, pehle aapne seekha, phir aapne implement kiya, phir agar aapke corrections hote hain, to wo teesri phase mein, there are 4 additional classes to correct any mistakes you are making, if your body has evolved, to do that fine tuning and to give you knowledge how to interpret your symptoms, your reading, your tests and everything, and how to step by step come out of medicine. And after that, the extended support. So there is a poll with you. Please ensure ke aap sabhi log poll ko respond kare. Jinke sawal hain ya program mein interest hai, wo apna phone number hamare saath mein share kare. If you have interest or queries in the program, about the program or anything, please share your phone numbers. We will open up for all the queries. So all you need to do for this program is that you have to learn it as a 30-minute module. 20 minutes subah aapko samay nikalna hai aur 10 minutes sham for balancing. The cost of the program, I mean, before I come to that, 78% of the people who participate this program, they have benefited within a 3-month phase. 25% ki medicines are completely gone. Additional 29% medicine reduced by more than half. Additional 24% symptoms dramatically have improved. But doctors are controlling their medication, we can't help. The cost of the program is 8,000 rupees till tomorrow 8 p.m. Uske baad bhi bahut zyada difference nahi hai. The cost is increasing by just 500 rupees, which is 8,500 rupees. The program cost for the webinar attendees. The actual program cost is 10,000 for non-webinar attendees, which we are giving a 15% discount to you on. So the program will be starting. All the methodologies are there, bank account transfer, UPI methodologies and credit card and debit card and all of that. The program is starting on a Sunday. So these 3 learning classes would be consecutively happening on a Sunday, 90-minute sessions, 5 p.m. till 6:30 p.m. Or Sundays ko honge ye sham ko. So 13th, 20th, 27th, like that. So us tarah se ye sare ke sare sessions conduct kare jayenge. So I am allowing you to unmute yourself and we'll be taking up all the questions that you have. Meanwhile, keep responding to the polls and keep sharing your phone numbers as and when. Right. So I'll just pick up a few questions from the polls.
We will give you, the recording would be there with you, Arjun. So if you're there, a part of a WhatsApp group and all, you'd get the recording there. Devdutt, name of the Kriya. Thank you. You would not be able to Google it. How does it matter what the name is? Okay, charges. I suppose that is answered. Okay. Right. Issue about recording. Hello? Recording you would get in the WhatsApp group, ma'am. So the WhatsApp group link. I accept that. But in the first few sessions when we did the Kumbhak, you had given it to us very precisely in writing. Right. I find that very easy to follow vis-a-vis the video, because sometimes I'm not able to breathe and maintain that the count. But when I have it in writing, when I can print it out in writing, I'm able to sort of maybe not do it the first time and attempt it the second and the third time. And I find that easier on me. So you do get a session recording, and you also do get an instruction set in both Hindi and English with diagrammatic representation. So instruction I would appreciate. Yeah, you have that. That is there. Okay, thanks. And another thing, I have sent my bio, the information that you required, but I don't know whether it has gone through and it's confirmed. That is a couple of days ago. Right now, I don't have that information. I'll check. You please connect with me. Thank you. Ma'am, this is not a forum to ask for that. Please ask in the class. If your form has been received, it is fine. If it has not been received, it will be shared with you. This is not the forum to ask these questions. Okay, thank you. Yeah. So you can unmute yourself and ask your questions, please. Sir, all classes are in English only? Nahin, ma'am. English or Hindi, dono hi bhashayein puri tarah se cover hoti hain. Actually, I want to join this program for my mother, but she's not able to understand the English. नहीं उसकी कोई चिंता नहीं है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं टोटली कवर होती हैं. नॉर्थ साउथ और हर तरह से हर तरह का रिप्रेजेंटेशन है. इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है. मातृभाषा हिंदी है. पूरी कवरेज होगी. इंस्ट्रक्शंस भी हिंदी में भी मिलेंगे. ओके, तो यू आर टेलिंग दैट द 3 महीने का सर हमको 8,000 रहेगा. मैम, एक मेंबरशिप है. इवन सपोर्ट फॉर टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर योर कंप्लीट हीलिंग बियॉन्ड 3 मंथ्स, वो भी कवर्ड है. देयर इज नो एडिशनल पेमेंट बियॉन्ड 3 मंथ्स. ओके. अच्छा, मुझे ये पूछना था कि आफ्टर दैट डू वी हैव टू कंटिन्यू दैट थेरेपी कुंभक और वी कैन लीव इट. तो you can leave the therapy. That is up to you. It will keep on giving you benefits if you continue. Also, there is no side effect of these kind of things. You will become strong. It will do anti-aging and lot of other things. It will prevent you from, this is like curative as well as preventive. It will prevent you from other problems that can happen due to aging and other factors. So if you want, you can continue. If you are completely fine, you can discontinue also. That is completely up to you. Haan, because 3 months ka, mindset hai, so we will continue. And then, the once we are out of the course, then again, tendency, it is natural tendency. Band kar diya. So side effects, any? Nahin, iska koi side effect nahi. Aapke dawaiyon ka side effect hota. आपके शरीर का ही अपना हिसाब है. दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ योर ओन बॉडी. इट विल नेवर डू एनी हार्म टू यू. और आपको फायदा ही होगा. इट ओनली वर्क्स इन वन डायरेक्शन. लाइफ है ना जैसा कि आप कितना भी जोर से चलो या धीरे चलो, वो आगे ही जाता है. योर एज ऑलवेज इंक्रीजेस. तो ऐसे ही कुंभक है. इट विल ऑलवेज गो इन वन डायरेक्शन, डजंट गो इन द रिवर्स डायरेक्शन. तो एक बार आप छोड़ भी देंगे तो भी आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे. इतना मैं आपको बता देता हूँ. इट इज सो सच अ ब्यूटीफुल थिंग. आपको इससे इतना मिलेगा. आई एम रोशनी प्रजापति. थैंक यू सो मच. आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट कुंभक. रोशनी जी बोले मैम. आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी आ रही है. बोलिए बोलिए. हेलो.
सवाल जी क्वेश्चन पूछिए सवाल पूछिए या दिव्या आई एम कॉलिंग फ्रॉम कालीकृष्णा कोरी केरला मंजुला सर रोशनी मैम डू यू वांट टू स्पीक योर क्वेश्चन आस्क योर क्वेश्चन हेलो सर यस मैम मंजुला मैम गो अहेड हेलो सर थायराइड स्वोलन है राइट साइड पे मैम रोशनी सर हेलो दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन सोलन है का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन है इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन और सम काइंड ऑफ फंक्शनल डिस्क्रिपेंसी अगर कोई चीज काम नहीं कर पा रही तो भी इन्फ्लेमेशन आ सकता है और अगर इन्फेक्शन हो तो भी इन्फ्लेमेशन आ सकता है इन्फेक्शन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा है ना ब्लड कल्चर करवाएंगे तो उससे इन्फेक्शन का पता लगेगा बोलिए और मेरा पैर ना लाइक माय टोज आर ऑलवेज ड्राई सर माय स्किन इज ऑलवेज ड्राई So we have told you why the dryness is there and how you can come out of this dryness. The moment you start kumbhak, yes. Not only dryness, but the hardness of skin also. If the edges are hard, it will become soft. If you start doing kumbhak, suddenly you'll see the edges on the skin, which has become hardened, they will become soft also. Not only soft, but it will get moisturized also. So there is a transportation discrepancy in your body which needs to be corrected. तभी वो ठीक होगा. अगर उसपे काम नहीं करेंगे तो केवल बोलने से ठीक हो नहीं होगा. बाहर से लगाने से भी कुछ ठीक नहीं होगा. Let me tell you that. Okay, sir. There is a question. There is a unique questions about phobia. Does it help in fear of heights, claustrophobia, traveling in flights, car, bridges, वगैरह? Absolutely. There is no medicine for phobia. Let me tell you, this is the only way. What is phobia? You are not able to handle that situation. Phobia ka matlab kya hota hai? Aapko dar kyun lagta hai kisi cheez se? Aapko lagta hai ki you will get impacted wrongly by that. Pani ka phobia hoga to, isko aapko lagta hai ki ye pani se mere ko kuch nuksan ho jayega. Right? 100% phobia se nikal jayenge. This is the only method where you can come out of phobia 100%. Aur dusra baat batata hu, koi aur tarika nahi. There is no other way. I'm not going to explain it in detail. Agar aap aate hain, toh maybe in the classes I'll explain why and how this phobia can be rid of and why do you get into phobia. Wo usme bata sakta hun. It'll become a long kind of a thing to explain the whole aspect of phobia here. So what is good evening, sir. Promit here. Good evening, sir. Haan, good evening, Promit. Bataiye. What my question is, those who are COVID survivors, they can start kumbh. Why such a big word, COVID survivor? COVID hasn't killed anybody. It is your medicine and your organ failure which has killed people, not COVID. COVID never kills people because it is very weak thing. Now, COVID survivor, don't start calling COVID survivor. वो तो बड़ा ट्रेंड हो गया आजकल COVID को लेकर ना. It is not that harmful, first of all. दूसरा चीज Can COVID survivor do it? Do you want to improve your immunity? What is the way of getting protected from the third wave? Agar third wave aata hai, not COVID, if something else also comes. Instead of COVID, if XYZ comes, how will you survive? Your immunity will be able to survive you. Nothing else. Koi medicine kisi ko nahi bachata. Medicine to marta hai aur bhi. So, aap immunity bada. Do you want to increase your immunity? Then you will have to do kumbhak. Any COVID survivor must do kumbhak because their immunity is compromised. The moment you have taken medicine, your immunity gets compromised. Agar aapko steroid liya hai, to compulsory hona chahiye. So if you really want to improve your immunity because of whatever situation you have faced and your immunity has gone down, you must do kumbhak. This is like a compulsory thing for you. Thank you, sir. Sir, what to do for joining the post now? What is the first step we have to do? Sir, we are sharing messages in the group. And also, are you part of a WhatsApp group? Yeah. So we'll be sharing messages there. Also, you can share your phone number so that we can reach out and guide in case you have missed the messages in the group chat or in the WhatsApp group or wherever. Then we can reach out to you. Just drop in your phone number. Otherwise, you can. Fees to be remitted in one time or installment basis. Yes.
It is one payment. You can use your credit card to convert this thing into a EMI. One-time payment, yeah? One-time. I've posted that master checking, the payment. So all the details, bank and otherwise, they are all there. Is there any relationship between thyroid and premature ovarian failure? Premature ovarian failure. Yes. We can establish this relationship in terms of the way I said. If you follow what I said, you'll be able to connect it. You will be able to connect it. Why? If your protein ecosystem is weak, then to grow anything or to keep it intact or healthy will become difficult. Premature ovarian failure. Even now, like people who want to conceive and they are not able to conceive. If females have low AMH count and frequent abortion is happening, so you can connect those situations with your thyroid condition. There is a direct connect to those situations. If you correct your thyroid, the chances of conception increases. Great. So, Miss Manjula, Miss Maria Lakdawala, I think if you are there, your hands are raised. You can unmute and ask your questions, please. Meanwhile, those who have interest or any questions or anything, please respond to the polls. And please share your phone number so that we can reach out and guide you. Can AMH value be increased? Sir? Can AMH value be increased? Yes, I think it can be increased. It can be increased. Just you need to actually understand what is not making it fine. What is the weakness in your system because of which it is down. So if we diagnose you, we can increase the AMH. But this is not a course just to increase the AMH. This is a course which is directed towards your protein ecosystem discrepancy or thyroid condition. For conception, you have to see a different program which we conduct by the name of Medini Fertility Care. So there is a question if somebody is doing these practices specifically for thyroid during pregnancy or while getting conceived. So would it harm the potential baby or the newborn or in any way? You take medicine and don't think that it will harm you, even though your body is not designed for medicine. But doing Kumbhak, can it harm? Not at all. Why would Kumbhak harm? If you want a strong baby, if you want a baby with high genetic integrity, then Kumbhak is something that you should do. But we need to see. We need to change according to your trimester, what kind of Kumbhak you can do, what kind of Kumbhak you should not do. So if you are pregnant and in the program, we will actually customize your Kumbhak according to your trimester. Don't worry about that. In fact, Kumbhak is the only way to produce healthy babies, genetically strong babies. So the babies do not get into any kind of chronic ailments. This is the only way. You don't have any other way. Sir, I have my daughter-in-law. I have my daughter-in-law who is not able to conceive in Australia. For they say there are a lot of emotional issues or past issues, etc., etc. And nothing is yet happening. Would you be able to run a course so that she could be assisted with whatever problem issues she has? But she's in Australia. We are already running a course. Just put down your phone number along with it. Write down conception or related to fertility. I'm already in your thyroid course. Sir, I'm already in your thyroid course. So, Ms. Cooper, we'll reach out to you. We have your details. Yeah. So, I would like that as well. Yeah, we'll reach out. Oh, thank you. How much time do we have to spend to join in? Basically, early bird is just to take advantage of the price differential so that
that offer is available till tomorrow. So till tomorrow, if you can make the payment, then the cost is 8,000 rupees. Otherwise, it is 8,500. Can we do Kumbhak and pregnancy? Answered. Will this therapy help overcome gastric and hyperacidity problems? Yes. So digestive system strengthening also happens by working specifically basis diagnosis of your individual issues. So prana shakti diagnosis help us understand your unique situation and devise practices accordingly. So yes, answer is yes. Miss Maria, Miss Manjula. Manjula, you were trying to ask earlier, I suppose. Psoriasis. Yes, sir. Yeah, go ahead, ma'am. Sir, you told that swollen thyroid, it could be due to infection, right? Yes, yes. Any infection? Yes, infection or some kind of... Sir, yes. Get it checked for infection first. Yes, sir. Get a blood culture done. Get it checked for infection. Okay. And then if there is no infection, then there can be some other thing. I feel there is some issue in my right side of ear and right in my right ear, sir. There's an issue in my right ear. Mm-hmm. I feel like some kind of itching there. We can't tell you like this that where the problem lies. But usually, if there is an inflammation, then it can be infection or some functional discrepancy. If it is not infection, then you need to diagnose you for pranashakti diagnosis. And then we can find out what functional discrepancy is there. If it is an infection, go to a doctor, get an antibiotic taken for whatever time period it is required, and you can come out of the infection. Okay. Can it also help in cold, cough and allergy issues? It's very easy to come out of cold, cough. You know, abhi aap baatein wo kar rahe hain jiska ki koi bhi kisi ne koi... See, cold, cough usually should actually be end by the age of 21. Maximum 21 years of age. If you allow cold, cough to happen properly, this is a cleaning mechanism of the body. But because we are taking medicine from childhood, then we are extending this cold cough issue till old age. I now find people who are old enough not to get into this, but they are getting it. So these are very, very easy things, or in fact, very compulsory things to be handled in a young age. If you are carrying it through your youth and middle age and old age, then you'll get into more and more functional discrepancy, or what you call as chronic disease. By doing Kumbhak, you can easily come out of these kind of things. So that is why I'm saying the first thing that Kumbhak will do is build your overall immunity. This is the only way for building immunity, by taking in some kind of an external substance. It doesn't happen. Agar aap chyavanprash bhi khayenge na, thoda bahut immunity upar niche hoga. But that is not strong enough to protect you from the kind of viruses which will be coming in future, the way we have changed the environment. So, abhi aapko immunity badhana bahut zaruri hai. It can be easily taken care through Kumbhak. Those who have not responded to the polls, please do. Those who have not shared your phone numbers, you have any queries or concerns or interests, etc., please share your phone numbers and definitely do respond to the polls. Bahut logon ne poll pe response nahi kiya hai abhi tak. Sir, Neha ji is asking a question about Hashimoto's. What is Hashimoto? It is an autoimmune disorder. So what does that mean? Uska matlab kya hua? Your immunity is working against you. No, this is what the medical science says. But do they have a solution to Hashimoto? No, they don't have a solution to Hashimoto. Jo kuch bhi bol rahe hain, agar kuch bolte hain, if there is a basis to it, they must have a solution. Solution to nahi hai na. Your immunity never works against you. There is some risk in your body which your immunity is trying to mitigate. That is why it is attacking those things, attacking your own thyroid. So there must be a risk with that thyroid gland which your body is mitigating.
So if you reduce the risk, अगर आप risk खत्म कर दो, your immunity will not attack that. वो आपकी इम्यूनिटी अटैक ही क्यों करती है किसी चीज को, क्योंकि वो रिस्क ही हो गया, ईदर द फंक्शनिंग और समथिंग हैज बिकम रिस्की. सो इफ यू प्रॉपरली मिटिगेट और मेक इट स्ट्रेंथन और स्ट्रेंथन दैट एस्पेक्ट और मिटिगेट द रिस्क, देन योर इम्यूनिटी विल नॉट अटैक योर थायराइड. सो वो कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू इट, नॉट फ्रॉम टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से लेके आप कुछ नहीं कर सकते, हमेशा बाहर से लेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा. एनी मेडिसिन यू टेक इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ योर बॉडी. तो कैंसर तो होना ही है, कैंसर इज इंक्रीजिंग, ऑटो इम्यून डिजीज इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है. क्यों? एक्सटर्नल केमिकल ले रहे हैं, योर बॉडी इज गेटिंग इनटू रिस्क, आपका शरीर रिस्क में आ रहा है. सो दैट इज नॉट हाउ यू शुड टैकल दोज थिंग्स. वो दवाई लेके इम्यूनिटी ब्लॉक करके आपको करेंगे तो फिर और मुश्किल आ जाएगी, स्टीरॉइड लेंगे तो और मुश्किल आ जाएगी. सो स्ट्रेंथन दोज फैक्टर्स व्हिच हैज बिकम वीक इनसाइड यू, व्हिच इज क्रिएटिंग अ रिस्क, एंड यू विल सी यू कैन रिवर्स द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसे निकल सकते हैं. सो सोरियासिस, कपल ऑफ पीपल हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन. यस, सोरियासिस अगेन, सोरियासिस इज समथिंग व्हिच योर बॉडी डज व्हेन देयर इज अ डिफिकल्टी एंड on increasing for a long time. After a long time functional difficulty, psoriasis happens. Again, there is no solution for psoriasis in the modern medical science. There is no solution for psoriasis, but we have first thing is kumbhak, because that is pivot in what we do. Apart from that, we can also suggest you, if you come to the program, we can also suggest you something which will help in psoriasis, but you'll have to come to the program for that. So kumbhak is pivot. Kumbhak is plays a pivot role in any kind of chronic disease that you get, and for whatever disease there is no solution, kumbhak plays a pivotal role. Uske baad fir we can also suggest something else which can help you with that condition. Ayurvedic medicine, can they be risky? They can also have a risk. Anything external, even your food or water can have a risk. Anything external can have a risk if it is not handled in the right way. But with Ayurvedic medicine, the risk is less. With chemical medicine, the risk is very high. But once again, it is something external. You must strengthen your system. Even if you are taking a risky thing from outside to mitigate the side effect or to come out of the side effect of whatever you are taking, what do? You must empower your internal functioning. Kumbhak can do that. According to your explanation, you say that immunity will develop by doing kumbhak. In the same way, what about the homeopathic medicine? The theory of the homeopathic medicine is that it can be the human system. Is it correct? Okay. So, what fundamentally you want to ask, can we empower the internal functioning by taking homeopathic medicine? You are trying to say that only, but in a way where there is no risk or no problem in homeopathic medicine. See, anything, I'm saying not only homeopathic medicine is also trying to do what? It is trying to create a little trigger from outside. So Ayurvedic medicine is trying to create a trigger from outside. And your allopathic medicine is also trying to create a trigger. Strength of a functioning? No, it cannot. It cannot build the strength of a functioning beyond a threshold, beyond a range. So you can't, it is like saying ki from a mule, you can't make horse by taking homeopathic medicine or Ayurvedic medicine. Mule can become a little fine. Mule can become a little fine, not become a horse. But what I'm saying is, can you strengthen your functioning directly from within without taking an external impetus? Then you will have to do kumbhak. There is no other way for doing it. So kumbhak is something which is directly impacting an internal functioning or an functioning of an organ. Homeopathic medicine is also trying to do it. Ayurvedic medicine is also trying to do it by impacting a functioning inside, but how much impact can they create is really a question mark, which we need to find out
an allopathic medicine will create a lot of change in within you, but the change is not according to how your life functions. It will always be opposite to that. Like you cut off a chain, a cycle of pain in your body. If you take a painkiller, what do? You basically cut off the cycle of pain creation in your body. You don't enhance anything for which the pain, your body is creating pain. There is some weak factor for which your body is creating pain. What do? You cut off the pain. You do not handle the fact because the body is creating. This is something very wrong we are doing. Homeopathy works a little in tandem with the functioning of the body. But how much change it can create? That is something we need to ask. At this point of time, we need drastic change within the human system. We need drastic empowerment within a human system. So whatever else you do, I am saying you do whatever else. But this is a way to empower your interiority. And this is the only way to empower your interiority beyond a certain range, which you at present require. So you can take homeopathic medicine, you can take Ayurvedic medicine, you can take allopathic medicine, you can go for operation, go for doing whatever. But at least empower your interiority. It is the basic responsibility that we have at this point of time. Everybody should empower their interiority. All right. So if you have any more queries or concerns, you can always reach out to the Yellow Squash team. The phone number I am sharing in the group chat, and I'm also calling it out, 9717333655. So you can reach out to us, and for all your queries, program visibility, any other concerns, we'll be there to help you out. Or you can mention whatever you want to mention or your queries, etc. in the group chat in your respective groups. So wo sab aap kar sakte ho. Baki, if there is any other question pending, we'll take one last question before we wrap up. Anyone, any other questions, please? All right. So thank you for joining us. And we would like to welcome you on a batch, which is starting on 13th. Sunday's ka batch hai, which is convenient usually, evening time, 90-minute sessions. So you need to take out time on Sundays, consecutive Sundays. And the time that you need at your own end to make a change in your life is only 30 minutes, 20 minutes in the morning and 10 minutes in the evening. Take it as a medicine and heal yourself rather than taking a medicine and go on a stretcher in the long run. Choice is yours. So with this, I would like to thank you. And any closing remarks, Navdeep sir, if you would, and just wrap up the session. Nothing much except that we say it in every webinar ki jahan par aap invest karte hain wo cheez badhti hai to aap health ki taraf invest kare jo logo ko lagta hai mehenga hai ye hai wo hai to zara ek bar calculate kijiye kya aap apni dawai par kitna kharcha karte hain sabhi ko gdp malum hota hai sensex ka wo malum hota hai upar niche kahan ja raha hai but ye nahi dekhte hain ki hum dawai par kitna kharcha kar rahe hain उसकी कैलकुलेशन कीजिए तो फिर ये जो फीस है वो आपको ये फ्रीडम की फीस है ये बंदिश की फीस नहीं है सो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ दैट्स ऑल आई कैन से थैंक यू फॉर जॉइनिंग द वेबिनार थैंक यू नमस्ते थैंक यू